नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9x। दी न्यूज 9x में आप सभी का स्वागत है। खबर क्या है? खबर है वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। अब रविवार 19 नवंबर को भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेलेगी। फाइनल में भारत का सामना सेमीफाइनल 2 की विजेता टीम से होगी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए। भारत के लिए सबसे अधिक रन विराट कोहली ने जोड़ने का काम किया। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक जोड़ते हुए टीम के लिए 117 रन बनाए। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी एक शतकीय पारी देखने को मिली। श्रेयस ने 105 रनों की पारी खेली। इसके अलावा शुभम गिल ने नाबाद 80 और कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 47 रन निकले। 398 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रचिन रविंद्र और डेविड कॉनवे जल्द ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शमी ने डेविड कॉनवे को 13 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करार दिया, जिसके बाद रचिन रविंद्र भी 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रचिन और कॉनवे जल्द आउट होने के बाद डैरिल मिशेल और कप्तान विलियमसन ने न्यूजीलैंड की पारी को संभालने का काम किया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिशेल 85 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जबकि कप्तान केन विलियमसन 73 रन में 69 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शमी ने विलियमसन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया। मोहम्मद शमी ने एक ओवर में 2 विकेट लेकर मैच को एक बार फिर से भारत की तरफ मोड़ दिया। शमी ने वर्ल्ड कप में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी ने इस मैच में 7 विकेट लिए। दर्शकों को बता दें कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है और फाइनल में मुकाबला जिससे भी होगा वो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन वर्ल्ड कप का क्रेज कम नहीं होना चाहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के लिए। बहरहाल, आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज इस वक्त और अभी लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।